देखिए जो कुछ भी सुला में घटित हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के नेता और पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व में मुख्य संसदीय सचिव रहे, ऐसे व्यक्ति को आप जो है धक्का शाही से सत्ता के बल पे अपनी ताकत के बूते पे आप उनको जो है अब उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। विरोध का अधिकार लोकतंत्र में है और अगर वो वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से किसी बात का विरोध कर रहे हैं और जहाँ पे पंचायत का प्रधान और उप प्रधान और मेजॉरिटी 25 जो हैं वो जगजीवन पाल जी के साथ हैं और अगर पंचायत नहीं चाहती और अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई थी तो जो है अगर वहाँ पे पुलिस मौजूद थी तो पुलिस का जिम्मा सिर्फ जो है सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति का संरक्षण देने का नहीं था, पुलिस का ये जिम्मा भी था कि वो जो है जननेता तो जननेता है चाहे वो जीता हुआ हो चाहे वो हारा हुआ हो। तो इसलिए आप जो है एक पक्ष को जो है सत्तारूढ़ पक्ष को जो है आप सिक्योरिटी देते हैं और दूसरे को आप राजनीतिक इशारे पे धक्के लगाते हैं। ये जो परंपराएं डाली जा रही हैं ये बहुत इसके दूरगामी नतीजे होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जयराम को भी यहाँ से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अपने लोगों को लक्ष्मण रेखा के भीतर रखें। ये गुंडागर्दी जो है सरकार स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है और जो रवायत आप डालोगे फिर वो आगे बढ़ जाएगी। आज जो है प्रदेश में जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, आज स्पीकर साहब ने कहा है कि जगजीवन पाल तो टिकट की लड़ाई लड़ रहे हैं, टिकट स्पीकर को नहीं देने हैं। देखिए जो पिछले दिनों यहाँ घटना हुई और मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता को जो पूर्व में विधायक रहा हो संसदीय सचिव रहा हो उसको भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जो है हमला किया। आज हम विरोध स्वरूप जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा ये मानना है कि ये सरकार जो है इस तरह के गुंडों को संरक्षण दे रही है, अगर तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस को पूरे प्रदेशव्यापी आंदोलन के रूप में बदलने वाले हैं।